Hello friends, very good morning to all of you and welcome to our channel Pathshala. मैं हूँ महेंद्र सिंह और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास MCQ 36. इससे पहले कि जो भी बच्चे पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें. इससे क्या होगा कि कोई भी चैप्टर, कोई भी न्यूज़ और कोई भी वीडियोज़ आप तक पहुँचेगा सबसे पहले नोटिफिकेशन के साथ. अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ. इससे पहले कि स्टार्ट करूं, आज का हमारे लेक्चर काफ़ी छोटा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, सो प्लीज़ बी स्टे टिल द लास्ट. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. द थर्ड एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2018 विल बी हेल्ड अप इन विच सिटी. पूछा जा रहा है कि रायसीना डायलॉग 2018 किस सिटी में होगा. तो ये होगा कहां पे? न्यू दिल्ली में. और इस बार इस डायलॉग की जो थीम है वो क्या है? मैनेजिंग डिसरप्टिव ट्रांजिशन आइडियाज इंस्टीट्यूशन एंड इडियम्स. मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, ये थीम तो आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी. एक्चुअली ये रायसीना डायलॉग एक मीटिंग होती है वर्ल्ड के काफ़ी सारे नेशंस के, जो सुपर पावर्स के जो टॉप लीडर्स होते हैं वो इसमें आते हैं, मीटिंग करते हैं और अपने अपने देशों की जो बाउंड्रीज इश्यूज होते हैं और जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे की हेल्प के लिए कमिटमेंट करते हैं. तो इस बार इस डायलॉग का इनॉग्रेशन कौन कर रहा है? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू. तो क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है अब उस चीज पर डिस्कस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछेगा कि रायसीना डायलॉग 2018 कहाँ हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा न्यू दिल्ली. दूसरा, इस डायलॉग का जो इनॉग्रेशन है वो किसने किया? तो किसने किया? इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, हु वॉज द इनॉग्रेटर ऑफ रायसीना डायलॉग 2018, तो वो कौन है? इसराइली प्राइम मिनिस्टर. या फिर चौथा थीम पूछेगा कि थीम क्या है, तो थीम आपको बतानी पड़ेगी मैनेजिंग डिसरप्टिव ट्रांजिशन आइडियाज इंस्टीट्यूशन एंड इडियम्स. ये याद ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर टू में पूछा गया है, नेम द फाउंडर एंड CEO ऑफ द बियर कैफे. जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द बियर कैफे आज एक काफी इंपॉर्टेंट रेस्टोरेंट है जिसमें बियर को सर्व किया जाता है लोगों को, वर्ल्ड की फेमस बियर्स को, और आपको मेट्रो सिटी में इजीली इसके होटल्स मिल जाएंगे. तो फाउंडर कौन है? राहुल सिंह. अब आखिर ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्यों डाला, इसकी सडनली इसकी रीज़न क्या हो गया? तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि राहुल सिंह को अभी अभी प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया है. किस चीज़ का? नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी NRAI, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट घोषित किया गया है इन्हें 2018 में, राहुल सिंह को. इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? देखिए, एक तो डायरेक्ट पूछेगा राहुल सिंह, दूसरा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है राहुल सिंह. दूसरा, बियर कैफे के CEO कौन है, वो भी राहुल सिंह. ठीक है, इस तरह से आपसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है. बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. जी हाँ, ये फोटो चेहरा अभी तो आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले कुछ वक्त में शायद जाना पहचाना लगे. पढ़ते हैं क्वेश्चन, नेम द यंग मुंबई बैट्समैन हु हैज बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ इंडियन अंडर 19 टीम. यानी कि 2018 में अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उस टीम के कैप्टन कौन है, इंडियन कैप्टन कौन है, तो वो है ये शाह. इनका पूरा नाम है पृथ्वी शॉ. ये भारतीय टीम के कैप्टन है अंडर 19 के लिए. अब ये अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये होगा न्यूजीलैंड में. शायद अगले क्वेश्चन में मैं आपको इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करूँ, लेकिन ये कहाँ होगा? न्यूजीलैंड. इसको आप याद रखिए, न्यूजीलैंड में ये वर्ल्ड कप होगा, 2018 वर्ल्ड कप अंडर 19 का. पृथ्वी शाह इसके कैप्टन है इंडियन टीम के, और न्यूजीलैंड में ये टूर्नामेंट होगा. बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ.
एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, सरजू बाला देवी। जी हाँ, सरजू बाला देवी, इस चेहरे को याद रखिएगा। सरजू बाला देवी हैज क्लिंच्ड गोल्ड इन विच कैटेगरी एट 2018 नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप। जी हाँ, एक मूवी आई थी हमारी मैरी कॉम के ऊपर, मैरी कॉम। तो मैरी कॉम की लाइफ से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होके सरजू बाला देवी जी ने 2005 में बॉक्सिंग में एंट्री ली, और उसके बाद से काफी सक्सेसफुल रही हैं। इन्होंने काफी सारे मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए। लेकिन ये किस कैटेगरी में फाइट करती है? तो फाइट है 48 kg कैटेगरी, और इस साल 2018 में नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, इसके साथ ही पूछ सकता है कि ये किस स्टेट से हैं। तो ये हैं मणिपुर स्टेट से, और इससे पहले भी इन्होंने काफी सारे टाइटल्स जीते हैं, तो एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। 2006 में इन्होंने अपना पहला टाइटल जीता, और सारे गोल्ड मेडल ने, देखिए गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल, एक सिल्वर, उसके बाद फिर गोल्ड मेडल और फिर से एक सिल्वर। और नेशनल वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये 2 बार जीत चुकी हैं, 2010, 2011, और एक और शामिल हो गया है 2018। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन इसमें और पूछ सकता आपसे कि वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो वो था सिल्वर मेडल। ठीक है, और ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? जीजू सिटी, जो कि कोरिया में है, 2014 में जीता था। क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिल्वर मेडल मेडल इन्होंने जीता था, तो इसको याद रखिएगा और नाम याद जरूर रखिएगा, सरजू बाला देवी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच स्टेट इज होस्टिंग 7th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव? जी हाँ, भारतीय भाषा संस्कृत, जिसको देव भाषा भी बोलते हैं, यानी कि लैंग्वेज ऑफ गॉड इसको बोला जाता है, लैंग्वेज ऑफ गॉड संस्कृत को। तो इसके लिए राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, एक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सबके सब इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश पढ़ लें, और ज्यादातर अपने लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में हमारी देव भाषा संस्कृत कहीं गुम सी होती जा रही है। इसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने हर साल एक महोत्सव की स्टार्टिंग की थी, संस्कृत महोत्सव की। और इस साल इस महोत्सव का उद्घाटन कर्नाटक राज्य में हो रहा है, और इसको कौन सी संस्था, किस प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है? वो प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने कराया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था। और कर्नाटक के साथ साथ इसको जो पेयर स्टेट है वो कौन सा है, इसका सहयोगी स्टेट, वो है उत्तराखंड। तो साउथ से हो गया कर्नाटक और नॉर्थ से हो गया उत्तराखंड, तो उत्तराखंड प्लस कर्नाटक, ये दोनों स्टेट में ये महोत्सव होगा। और किस प्रोग्राम के अंतर्गत? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ताकि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का मोटो क्या है? ताकि भारत एकता के सूत्र में पिरोया जा सके, पूरे देश में एक यूनिटी बनाई जा सके। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ये महोत्सव 7th एडिशन है, कहाँ पे हो रहा है? कर्नाटका में। इसका पेयर्ड स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड। कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और किस प्रोग्राम के अंतर्गत हो रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द 2018 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट विल हेल्ड इन। जी हाँ, मैंने अभी आपसे ऊपर बात की थी कि इसका वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, तो वो न्यूजीलैंड में होगा। और कैप्टन कौन है? पृथ्वी शाह, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू लीड माउंट एवरेस्ट सक्सेसफुली? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पहले भारतीय कौन है जिन्होंने लीड, लीड मतलब लीडिंग, लीडरशिप दिखाई, यानी कि एक ग्रुप रहा होगा, तो 9 लोगों का एक ग्रुप था, जिसको जिसको लीड किसने किया था, अभी नाम पता चलेगा, और सक्सेसफुली लीड किया था। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या था, 1965 में इंडियन आर्मी का एक मिशन था, उस मिशन को लीड करने वाले कौन थे? अवतार सिंह चीमा। जी हाँ, अवतार सिंह चीमा जी ने लीड किया था इस ग्रुप को, और सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। तो पहले भारतीय कौन थे लीड करने वाले? अवतार सिंह चीमा।
इनमें से बछेंद्री पाल आप लोगों ने कई नाम सुना होगा कि इन्होंने भी सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट को लीड किया हुआ, क्या नाम है, चढ़ाई की थी। तो लेकिन इसके लिए क्वेश्चन क्या बनता है, फर्स्ट वुमेन, क्या फर्स्ट वुमेन सक्सेसफुली क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट, तो वो कौन थी, बछेंद्री पाल। इन्होंने कब किया था, 1984 में, 1984 में बछेंद्री पाल जी फर्स्ट वुमेन बनी थी माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइम करने वाली। तो आज के लिए इतना ही, स्टे ट्यून, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।